नमस्कार, जेके टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल सूदन। इस वक्त लाइव तस्वीरें हम जो है आपको अखनूर के निर्दोष चौक से बता रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले कुछ घंटों से लगातार सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें जो हैं वो वायरल की जा रही हैं और बताया ये जा रहा है कि रियासी हमले में जिन टेररिस्ट का जो है वो पोस्टर वायरल किया गया था, जो स्केच वायरल किया गया था, ये उनमें से एक है, जिसको लेकर अखनूर वासियों में और पूरे जम्मू वासियों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था। पुलिस ने जैसे ही उनको ये सूचना मिली तो सतर्कता बरतते हुए जल्द से जल्द इस व्यक्ति को जो है वो ढूंढ निकाला है। और आप सबको बता दें कि ये कोई टेररिस्ट नहीं जब बल्कि अखनूर का जड गांव का रहने वाला मुकेश कुमार है, जो ले में बतौर पोर्टर काम करता था और आज वापस अपने घर लौट रहा था। जी हाँ, मैं अखनूर वासियों को और जम्मू वासियों को एक बार दोबारा ये बता दूँ कि जिनके फ़ोटो वायरल किए जा रहे थे ये कहकर कि रियासी हमले में जिन लोगों के स्केच जारी किए गए हैं कि ये उनमें से एक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ को वायरल करने से भी आप लोगों को जो है वो रुकना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है और ये अखनूर के जड गांव का मुकेश है, जो ले में बतौर पोर्टर काम करता था। और मैं पुलिस की तरफ से भी अभी जो है इसके बारे में तमाम जानकारी जो है SP रूरल ब्रजेश शर्मा और SDPO अखनूर मोहनलाल शर्मा, उनके साथ SHO अखनूर तारिक अहमद जो है मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने कड़ी मशक्क़त के बाद मुकेश कुमार को ढूंढ निकाला है, क्योंकि लगातार ये चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और लोगों में एक भय का माहौल था। उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं तारीफ़ करूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस की, खासकर हमारी अखनूर सब डिवीज़न पुलिस और SP रूरल की, जिन्होंने मौके की सीरियसनेस को जाना और तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला और ये चीज़ क्लैरिफाई करी कि ये कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि अखनूर का एक स्थानीय निवासी है, जिसके बारे में SP रूरल ने तमाम चीज़ें क्लैरिफाई करी हैं। तमाम लोग जम्मू कश्मीर के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने से पहले उसकी जांच पड़ताल ज़रूर कर लें, कम से कम अपने संबंधित पुलिस थाने में उसके बारे में एक बार ज़रूर पता कर लें, क्योंकि इस समय आपकी फॉरवर्ड की हुई कोई भी चीज़ जो है वो इलाके में सनसनी मचा सकती है, पैनिक क्रिएट हो सकता है और ना चाहते हुए भी हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको उसकी जो है प्रमाणता को ज़रूर जान लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, जिस तरह के यहाँ पे पैनिक की यहाँ पे भी किस तरह का कोई माहौल बनाया गया कि एक आदमी एक सदस्य जो पकड़ा गया है या ऐसे ऐसे बात है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध करवाएं हमारी पब्लिक को कि इस तरह की पैनिक ना फैले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले शिवखोड़ी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद रियासी पुलिस ने एक स्केच जो है वो जारी किया था। आज शाम को हमें एक इनपुट आता है कि उसी सिमिलर लुक का एक बंदा जो है वो ओल्ड हॉस्पिटल अखनूर में देखा गया है। तो उसके बाद पूरे शहर में एक पैनिक का माहौल फैल गया और जो सोशल मीडिया पे है उस पर र्यूमर फैलना शुरू हो गए और एक कंपैरिजन जो है वो ड्रा करने किया गया, तो हमारे लिए एक चैलेंज बन गई। उसके बाद हमारी अखनूर टीम जो है वो सारी इकट्ठी हुई, हमने डिसाइड किया, हमारी मल्टी जो है वो टीम्स जो है वो बनी और हर तरफ हमने जो है कोशिश की और फाइनली जो है हमने इस बंदे को जो है बोल लाया है यहाँ पे। इसका नाम जो है वो मुकेश कुमार है, ये जड़ का रहने वाला है और ये पोर्टर का काम करता है और आज ये बंदा ले से आ रहा था, तो इसकी जो लुक है वो सिमिलर उससे मिलती है। तो काफ़ी जो पैनिक जो है सोसाइटी खासकर अखनूर के बीच में, काफ़ी मीडिया वालों को भी हमें फ़ोन आ रहे थे, तो मेरी आपके माध्यम से पूरी अखनूर जनता से यही रहेगा कि जो जो बंदा था वो हमने पकड़ लिया है और ये यहाँ का ही रहने वाला बंदा है। मोर ओवर मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि जब भी वो ऐसी न्यूज़ सोशल मीडिया पे चलाएं या और भी पोर्टल्स पे चलाएं, कम से कम एक हमारा ऑफिशियल जो है व्यू वो ले लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आजकल आपको पता ही है जम्मू के बीच में काफ़ी जो है वो र्यूमर्स चल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, खासकर जम्मू की पुलिस की मैं बात करूं, हम सक्षम है कि कोई भी ऐसी अगर एक्टिविटी एरिया में होती है तो हम उसको जो है वो अच्छे से जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कभी भी ऐसे र्यूमर जो हैं वो सोसाइटी में ना फैलाएं, क्योंकि इससे जो है काफ़ी जो है पैनिक की स्थिति जो है वो नहीं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से ये शुरुआत हुई है। अगर हमें ऐसे पाया भी गया तो हम उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रांग लीगल एक्शन जो है वो भी लेंगे। सर, जो थ्रेटन अखनूर और जम्मू रीजन में दिया गया है,
इसको आप कैसे बताएंगे अलर्ट जारी? देखिए, उसके लिए हमने जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है। हमारे आप हर जगह देखते होंगे कि जितने भी हमारे जो नाकाज हैं वो सारे अलर्ट हैं, और मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हर एक सिचुएशन को डील करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आराम से बैठें, जो आपकी नॉर्मल लाइफ है वैसे आप रहें, कोई ऐसा है नहीं है, इतना कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। सर, उसको सामने लाया जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आप अपना नाम भी बता दें यार। यही खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जड गांव के सर। तो क्या काम करते हैं? सर ले में करता हूँ, पोर्टर का काम। पोर्टर का काम, तो आपका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ है? हाँ सर। तो किस तरह का आपको पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा है तो क्या कहना चाहते हो आप? सर कुछ नहीं, किस तरह से? सर गलत फहमी है जी, ऐसे ही। तो आप लोकल ही हो जहाँ के हो? जी सर। शुक्रिया। रोशन शॉट मार रहा है फोटो।